पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने 6 साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने के दोषी ठहराए गए बबलू उर्फ अरफात को शुक्रवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी इतना शातिर था कि मासूम की हत्या के बाद उसका शव उसके घर में बंद कर उसके पिता के साथ उसकी तलाश करने में जुटा था। कुछ देर बाद संदेह और पूछताछ के बाद आरोपी के घर की तलाश ली गई, तब वहां से शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजधानी की कोर्ट ने इस मामले में महज 4 महीने सुनवाई पूरी कर निर्भय कांड के बाद घटित पॉक्सो एक्ट के मामले में पहली फांसी की सजा सुनाई है। ये बेटियों की दरिंदगी के मामले में राजधानी में सबसे कम समय में आने वाला पहला फैसला भी बताया जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी बबलू को बच्ची मामू कहती थी, वह उसके पिता के साथ काम भी करता था और उसका मृतिका के घर आना जाना था। दोषी 15 सितंबर 2019 को मृतिका को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर लेकर गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला रेता और गला दबाकर हत्या कर दी, जिससे ये प्रतीत होता है कि आरोपी पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहता था कि बच्ची हर हाल में मर जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के इस आचरण के कारण समाज में लोग रिश्तेदारी और नातेदारी तथा दोस्ती के आधार पर बने संबंधों पर भी अविश्वास करने लगे हैं, जो कि भारतीय परिवेश में सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक है। कोर्ट ने आरोपी बबलू उर्फ अरफात को मृत्यु दंड से दंडित करते हुए इस मामले को विरलतम से विरल मानते हुए कहा कि मृतिका घटना के समय मात्र 6 वर्ष की थी, जो कि किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। घटना के समय मृतिका ने ढंग से दुनिया भी नहीं देखी थी और ना ही वह अपना प्राकृतिक जीवन जी पाई थी, और उसके साथ ऐसा अपराध हो गया जिसकी सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी को किसी प्रकार की रियायत देने से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली के निर्भय कांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के मृत्यु दंड की पुष्टि की है। निर्भय कांड के बाद देश की जनता के द्वारा दुराचार के मामले में आरोपियों को फांसी दिए जाने के प्रावधान करने की मांग को लेकर बड़े स्तर पर जन आंदोलन चलाया गया है, जिसके फलस्वरूप यौन अपराधों के लिए कानून में संशोधन करते हुए 12 वर्षीय से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार करने पर मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में हैदराबाद की घटना में बलात्कार और हत्या कर शव जलाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना के बाद बलात्कारियों को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि बच्ची के साथ दुराचार और हत्या के मामले में समाज भी आरोपियों को मृत्यु दंड दिए जाने के पक्षधर है। जबकि इस मामले में आरोपी ने 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद निर्दयी से उसकी हत्या की है। कोर्ट ने आरोपी को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाने का आदेश दिया है जब तक अरफात उर्फ बबलू की मौत ना हो जाए। इसके बाद जज ने अपनी कलम को तोड़ दिया।